फिल्म फेयर अवार्ड्स की दास्तानों में जरा चलते हैं सन 1964 में, जहां पर कुछ जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर्स एक दूसरे के सामने डटे थे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की ट्रॉफी के लिए। तीन फिल्में नॉमिनेट हुई थी। नॉमिनेशंस रहे नौशाद अली फॉर मेरे महबूब, याद में तेरी, शंकर जयकिशन फॉर दिल एक मंदिर, रोशन फॉर ताजमहल। इस दौर को हम हिंदी सिनेमा के संगीत का सुनहरा दौर कहते हैं, और इस सुनहरे दौर में कंपटीशन बड़ा ही जबरदस्त था। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की ट्रॉफी इस साल शाहजहां और मुमताज महल की मोहब्बत ताजमहल ले गई। रोशन साहब को यह अवार्ड दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड्स की और भी हैरत अंगेज कहानियां आने वाले एपिसोड्स में।